नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें, छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पे करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह पहुंच गए हैं और बात करने का भी प्रयास करेंगे। छतरपुर में करनी सेना के जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस बार उनका 18वां स्थापना दिवस था, जिसके लेकर खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर से होते हुए छतरपुर के छत्रसाल चौराहे पहुँच चुके हैं, उनसे हम बात करने का भी प्रयास करेंगे। जी अनुराग जी, आज छतरपुर आए हैं, आज स्थापना दिवस है करनी सेना का, खजुराहो से चले हैं, छतरपुर तक आए हैं, बाकी का क्या? आगे अनुशासन में रह के नौगांव तक यात्रा पहुंचेगी, क्योंकि कालवी साहब के शिष्य हैं। करनी सेना अनुशासन की सेना है और सर्व समाज को सदैव साथ में लेकर चलती है। कार्यक्रम का समापन नौगांव में होगा। आप सब मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करता हूं कि आप सब भी वहां उपस्थित रहिए। करनी सेना में अगर देखा जाए तो आज की अगर बात करें, जैसे अब मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे थे, वहां भी पूजा अर्चना की? जी बिल्कुल, सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है, उनकी पूजा अर्चना की बिना तो मेरे को लगता नहीं है कि दिन निकलना चाहिए, तो इसलिए महादेव की पूजा अर्चना की और यात्रा की सफलता की कामना भी। अगर बात करें तो गोंगा मेड़ी की जब हत्या हो जाती है करनी सेना के जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं करनी सेना स्लो हो गई थी, एक बार फिर आप स्पीड देने का काम ये ऐसा लग रहा है आपको? करनी सेना शुरू से रफ्तार में काम कर रही है और जिन्होंने हत्या करी वो भी जेल में है, तो करनी सेना की रफ्तार ना कभी धीरे हुई और ना कभी धीरे होने देंगे। करनी सेना की अगर बात करें, यहाँ से नौगांव में कौन सा बड़ा कार्यक्रम करेंगे? क्या बोल रहे हैं, नौगांव में किस जगह पे बड़ा कार्यक्रम? वो सभा स्थल का स्थल क्या है? सभा का स्थल नौगांव के पास का है, पास का स्थल रखा गया है। छतरपुर अगर खजुराहो से आप लगातार चलते हुए यहाँ तक आए, जगह जगह तुलादान भी हुआ, लोगों में बड़ा स्नेह था। देखिए, आप देख रहे हैं कि लगभग 500-700 गाड़ियों का काफिले के साथ साथ हमारे संभाग के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और छतरपुर के जिला अध्यक्ष राजा रोहित राजा परमार के नेतृत्व में करनी सेना का एक जन समूह, जिसको पूरे सर्व हिंदू समाज का समर्थन मिल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, सर्व हिंदू समाज के हर एक व्यक्ति करनी सेना के इस कार्यक्रम को पूरा समर्थन दे रहा है। ये थे हमारे साथ अनुराग प्रताप सिंह, जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह छतरपुर छत्रसाल चौराहे पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा, सर्व समाज की करनी सेना है, किसी एक की नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस या अन्य दल के लोग हों, वह भी करनी सेना का लगातार स्वागत और प्रेम। और ये करनी सेना है जो अनुशासन से चलती है, इसी को आपको देखने को भी मिला है। लंबा काफिला है, हमने आपको वो भी दिखाया है। और इस लंबे काफिले के बाद छतरपुर के जब छत्रसाल चौराहे पहुँचे थे, तो यहाँ छत्रसाल महाराज की मूर्ति पर पहुँच कर फूल माला चढ़ाई और उसके बाद अब ये आगे का जो इनका काफिला है वो धीरे धीरे नौगांव की ओर निकल चुका है। छतरपुर से टीवी 9 के लिए प्रदीप सिंह।